आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक खुर्शीद अंसारी की, जिनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। श्री अंसारी 65 वर्ष के थे। पूर्व विधायक ने अपने पीछे 3 बेटे छोड़े हैं जो श्री अंसारी के मिशन को पूरा करेंगे। पूर्व विधायक के निधन की खबर पाकर हजारों लोग उनके निवास स्थान पहुंचे थे और उनके बच्चों को ढांढस बंधाया था। जामा मस्जिद पर नमाज जनाजा के बाद श्री अंसारी को हजारों नम आंखों के बीच नबूशाह बिजना रोड उनके आबे कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनके जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की। कांग्रेसी नेता बब्बू टंडन, चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी, डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी, सैयद उवैस मुस्तफ़ा रिजवी व शहर के पत्रकारों और कांग्रेसियों ने श्री अंसारी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जमीयतुल अंसार सहित अन्य समाजसेवी संगठनों द्वारा श्री अंसारी के निधन पर शोक सभाएं कर उनको खिराज अकीदत पेश की गई है। आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक खुर्शीद अंसारी की, जिनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। श्री अंसारी 65 वर्ष के थे। पूर्व विधायक ने अपने पीछे 3 बेटे छोड़े हैं जो श्री अंसारी के मिशन को पूरा करेंगे। पूर्व विधायक के निधन की खबर पाकर हजारों लोग उनके निवास स्थान पहुंचे थे और उनके बच्चों को ढांढस बंधाया था। जामा मस्जिद पर नमाज जनाजा के बाद श्री अंसारी को हजारों नम आंखों के बीच नबूशाह बिजना रोड उनके आबे कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनके जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की। कांग्रेसी नेता बब्बू टंडन, चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी, डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी, सैयद उवैस मुस्तफ़ा रिजवी व शहर के पत्रकारों और कांग्रेसियों ने श्री अंसारी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जमीयतुल अंसार सहित अन्य समाजसेवी संगठनों द्वारा श्री अंसारी के निधन पर शोक सभाएं कर उनको खिराज अकीदत पेश की गई है।